नमस्कार। प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल के साथ मैं अरिंदम। राजस्थान के सड़क तंत्र को उन्नत बनाना गहलोत सरकार की प्राथमिकता रही है। अपने इस संकल्प को विस्तार देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश भर में 3378 करोड़ रुपए की लागत से 53 सड़कों के उन्नयन और पुलों और आरयूबी के निर्माण कार्यों का जयपुर से वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा, जो शिलान्यास और 21 जगह शिलान्यास 36 जगह परियोजना का लोकार्पण सुबह हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। 4.5 साल में एक रिकॉर्ड काम किया है राजस्थान सरकार ने। राज्य विभाग ने जो जनों विभाग ने जिस रूप में भूमिका अदा करी वो बधाई के पास पहली बार सुनने को मिला कि बजट की घोषणा ही नहीं होनी बल्कि वो लागू होगा। तो राजस्थान आज मेरे ख्याल से जो पहले हम सुनते थे गुजरात की तारीफ सुनते थे, और मैं भी कई बार गुजरात जाकर आया हूँ, देखा है कि गुजरात से राजस्थान कम नहीं बल्कि ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छी सड़कें हमारे यहाँ पर है, कम से कम शिकायतें हैं और परसेप्शन बदला है राजस्थान का। इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक करीब 61,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, करीब 1300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 8400 किलोमीटर स्टेट हाईवेज और जिला सड़कों और 45,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का विकास किया जा चुका है। करीब 1000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को चौड़ा किया जा रहा है। इस साल के बजट की बात करें तो 23,000 किलोमीटर सड़कों के विकास, 24 आरओबी और पुलों और 15 उपमार्गों के निर्माण के लिए 16,123 करोड़ के 6,016 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी तरह करीब 500 तक की आबादी के छोटे और दूर दराज के लगभग 2,000 गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सभी उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जिसकी खपत 200 यूनिट हर महीने है, उसका स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अर्बन सेस और जल संरक्षण उपकर भी माफ होंगे। अपने संदेश में सीएम ने कहा, पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंजन जो दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1,10,00,000 परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसे जनहितकारी और महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम बताया। सभी 1,25,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होने जा रहा है इस घोषणा के बाद में, मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय के बाद में। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो 2023 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया उसमें महंगाई की राहत देने का उन्होंने एक बड़ा पैकेज दिया। उसमें हमारा जो बिजली विभाग है, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 100 यूनिट तक घरेलू बिजली का उपयोग करने वाले राजस्थान के सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने ये कह दिया कि राजस्थान के 1,25,00,000 जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 1 जून से मई का जो बिल आएगा, जून के महीने में जो बिल आएगा मई का, उसमें चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी बिजली का उपयोग करे, 100 यूनिट बिजली उस व्यक्ति को, उस घरेलू उपभोक्ता को उसके बिल में फ्री दी जाएगी। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इसे मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम मानते हैं। अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज भी नहीं लगेगा और 100 यूनिट तक पूरा फ्री है, सबका फ्री है। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म फ्री देते हैं, सब जगह महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, सब महिलाओं को सैनिटरी पैड फ्री है, रोडवेज में महिलाओं के लिए आधा किराया फ्री है, 25,00,000 तक का इलाज फ्री है।
प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री है। 500 रुपए में सरेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला परिवारों को और बीपीएल परिवारों को। राजसमंद के मोलेला गांव में जल्द ही शिल्प ग्राम की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 2,55,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। राजसमंद जिले की खमनोर तहसील का ये गांव मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे कार्मिकों को खेलों में प्रोत्साहन मिलेगा। आज विश्व दुग्ध दिवस है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि ये गर्व का विषय है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम है। साथ ही राज्य सरकार बाल गोपाल योजना के तहत 67,760 शिक्षण संस्थानों के 68,500 से ज्यादा बच्चों के लिए निःशुल्क दूध वितरण भी सुनिश्चित कर रही है। आइए आज विश्व दुग्ध दिवस पर इन कदमों को और गति देने का संकल्प लेकर इस दिन के उद्देश्यों को पूर्ण करें। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कल सीएमआर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने एसटी वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर में राजस्थान बोर्ड का 5वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया। परिणाम 97.3% रहा। परीक्षा में करीब 17,00,000 विद्यार्थी बैठे थे। परिणाम जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, इस परीक्षा का रिजल्ट 97.3% रहा है, जिसमें छात्राओं ने 97.5% और लड़कों ने 97.13% के आधार पर परीक्षाएं पास की। इस बार भी लड़कियां अव्वल नंबर पर रही हैं। हालांकि डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, 0.37 का है, लेकिन फिर भी बच्चियों ने बाजी मारी है। वर्ष 2022 की 5वीं परीक्षा का परिणाम कुल मिलाकर के 95.37% रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर से इस परीक्षा में 14,68,130 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इसमें 7,67,357 छात्र एवं 7,773 छात्राएं जो है पंजीकृत थी, और कुछ विद्यार्थी जो हैं 485 ये परीक्षार्थी विविध कारणों से इनका परिणाम रोका गया है। बाकी रिजल्ट काफी अच्छा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आए तेज अंधड़ से बिजली तंत्र को खासा नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए ऊर्जा मंत्री ने जयपुर में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि तूफान के कारण हजारों पोल और ट्रांसफार्मर्स टूट गए। इससे 13,000 से ज्यादा गाँवों में बिजली प्रभावित हुई थी। इनमें से करीब 11,000 गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। बैठक के बाद श्री भाटी ने कहा कि अधिकारियों को 3 दिन में सभी स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 और प्रयोगशाला सहायक के 20 खाली पदों पर भर्ती के लिए संबंधित भर्ती कार्यालय को अभ्यर्थना भिजवा दी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि कृषि विभाग अपनी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए नए पद बनाने और खाली पद भरने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में ये प्रक्रिया शुरू की गई है। अब जिक्र महंगाई राहत कैंपों का, जिसके जरिए अब तक करीब 6,27,00,000 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 1,39,00,000 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आज सचिवालय में महंगाई राहत शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिविरों की प्रगति को संतोषजनक बताते हुए कहा कि सभी जिलों में तेजी से निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव आयोजित कर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने लाभार्थी उत्सव के लिए जल्द से जल्द तारीख तय कर कलेक्टरों तक इसकी सूचना पहुँचाने की बात कही। बैठक में बताया गया कि जिन जिलों में लक्ष्य के 80% तक पंजीकरण हो चुके हैं, वहां स्थायी शिविरों के जरिए बाकी 20% लोगों का जल्द पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने 37% विकास दर के साथ पिछले वित्त वर्ष में 16.58 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर CNG और PNG का वितरण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर के उद्योग भवन में RSGL की बोर्ड मीटिंग में ACS माइंस और पेट्रोलियम वीनू गुप्ता ने कहा कि राजस्थान गैस घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों और CNG स्टेशनों से CNG और PNG की उपलब्धता बढ़ाने को प्राथमिकता दे। गौरतलब है कि पेट्रोल की तुलना में CNG 45% और डीजल की तुलना में 15% सस्ती है। वहीं LPG की तुलना में PNG 25% तक सस्ती होने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को सस्ता ईंधन मिल रहा है। नमस्कार।